विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। भैया ये असुर भी शीघ्र अपने काल से भेंट करने के लिए अति आतुर हो रहे हैं, इसलिए इतनी गति से बढ़ते आ रहे हैं। यदि मैंने अभी युद्ध आरंभ किया तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। नहीं माता, ये पूजा आराधना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे शेष देवियों की शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होंगी और आप उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करने में सफल हो सकेंगी। माता आप अपनी आराधना आरंभ कीजिए। इन आगामी 3 दिवसों में मैं इस असुर का सामना करूंगा। उचित है देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु पुत्र एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माता आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। प्रणाम माता। विजय भव, विजय भव, विजय भव। माता आदिशक्ति की जय। शक्ति की जय। माता आदि शक्ति जय। माता आदि शक्ति की जय। दुष्ट देवताओं को उनका उचित स्थान बताने का और इस जगत में असुर का वर्चस्व स्थापित करने का। प्रतिशोध महिषासुर के वध का, प्रतिशोध शुंभ निशुंभ के निर्मम वध का। प्रतिशोध मेरे मित्र मायासुर, महाबली अरुणासुर, करल तरल और तापिक जैसे महान असुरों की मृत्यु का प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। उनसे भी अधिक मेरे पिता महान योद्धा असुर रुरु के वध का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। इसे देखकर ही विचार जागृत हो रहा है मेरे मन में
कि अभी इसी क्षण नष्ट कर दो इस संपूर्ण सेना को। भैया आवेशित होकर कहीं ऐसा युद्ध न आरंभ कर दें जिससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंचे। जो भी हमें करना है वो पर्याप्त सोच विचार के उपरांत ही करना है। अब किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। झोंक दो स्वयं को युद्ध में। यदि कोई हमारे मार्ग में आए तो बंदी बना लो उन देवताओं को और फिर देवी आदिशक्ति का वध करने के उपरांत हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा और इस जगत में हम असुरों के निर्बाध शासन का स्वप्न भी वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यह अनुचित प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आया है ना, तो हम भी इसे उचित और अनुचित के मध्य का पाठ सिखा ही देंगे कि धर्म की शक्ति ही सर्वोपरि है और कोई भी असुर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए किंतु धर्म युद्ध में हमसे उसकी पराजय होना ही उसकी नियति है। हर हर महादेव। बिना योजना और युक्ति के इस युद्ध का आरंभ नहीं होना चाहिए। भैया आपको अपने आवेश पर स्वयं पर नियंत्रण पाना ही होगा, अन्यथा यहाँ हाहाकार मचेगा। प्रतिशोध। गणेश, तुम्हारी इस उलझन को दूर करने की एक बहुत ही सरल युक्ति है। युद्ध के नियमों के विपरीत दिवस के प्रकाश में नहीं अपितु रात्रि के अंधकार में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं ये असुर। इसीलिए अभी युद्ध करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं ये। किंतु यदि तुम अपनी वाक्पटुता से दुर्गमासुर को युद्ध के नियमों का स्मरण करा सके तो। समझ गया भैया, अब आपकी इस युक्ति को सफल करने का दायित्व मेरा है। ओम लंबोदराय नमः। चलिए मूषक जी। कितना ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। में संकट जब कोई आयो महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। ओह, तो तुम पुनः प्रकट हो गए दुष्ट गजमुख, किंतु इस बार मुझसे बचकर भाग नहीं सकोगे तुम। गणेश जी, इन दुष्ट असुरों का तनिक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। समस्त नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन कर ये गणेश जी पर घातक प्रहार कर सकते हैं। तो हमें भी उनके साथ रहना चाहिए जिससे समय पड़ने पर हम उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रह सके। हाँ हाँ अवश्य, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं देवराज, हमारे हस्तक्षेप का समय नहीं आया है। अभी सदा स्मरण रखिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के तीन आधार स्तंभ होते हैं। प्रथम उचित रणनीति, द्वितीय उचित योद्धा और तृतीय उचित समय पर आक्रमण करना। इसीलिए इस समय गणेश पर अपना विश्वास रख, हमारा शांत रहना ही उचित होगा। हाहाहाहा
बड़ी ही निडरता से टिकी हो गजमुख बालक, किंतु स्मरण रहे जो योद्धा भ्रामक निडरता से अपने सहयोगी योद्धाओं को युद्ध में पीछे छोड़कर निकल आते हैं, वही युद्ध में सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध? कैसा युद्ध? कहाँ है ये युद्ध? क्या अर्थ है तुम्हारा? ये युद्ध नहीं तो क्या है? अरे असुर जी, इतना भी नहीं ज्ञात आपको? अचानक इस प्रकार युद्ध कहाँ आरंभ होता है? सर्वप्रथम दोनों पक्षों में युद्ध के नियम निर्धारित किए जाते हैं, फिर युद्ध की तुरही ध्वनित होती है, तब आरंभ होता है दो महाशक्तियों के मध्य युद्ध। नियम विहीन युद्ध तो पशु करते हैं, महायोद्धा नहीं। ये इस दुष्ट से गणेश जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं? देवराज, रात्रि के अंधकार में अधिक सशक्त होने वाली अपनी आसुरी शक्तियों से बिना नियम निर्धारित किए युद्ध करने के अभ्यस्त होते हैं ये असुर। किंतु गणेश, इसे उत्तेजित कर इसे हमारा नियम स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है। असुर जी, यदि वास्तव में आप अपराजय हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, परम साहसी हैं, तो नियम निर्धारित कीजिए, फिर एक महायोद्धा के समान युद्ध कीजिए मुझसे, तभी तो होगा युद्ध। नियम तो बालकों की क्रीड़ा के लिए उपयुक्त होते हैं गजमुख, युद्ध का तो एक ही नियम होता है, विजय, विजय प्राप्ति करना। आपका ये कथन तो एक ही बात प्रमाणित कर रहा है सुर जी। क्या क्या प्रमाणित कर रहा है मेरा कथन? यही कि आप साहस का प्रदर्शन अवश्य कर रहे हैं, किंतु भीतर ही भीतर अत्यंत भयभीत हैं आप, कि कहीं नियमानुसार युद्ध करने पर आपकी पराजय ना हो जाए। न भय ना पराजय, दुर्गमासुर के साथ इन दोनों की कोई संभावना नहीं। तो फिर युद्ध के नियमों को स्वीकार करने में इतना संकोच क्यों असुर जी? नहीं नहीं, भयभीत तो आप अवश्य हैं, है ना? सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, अजय हूँ मैं, ना पराजय का डर, ना किसी नियम का। तो कहो युद्ध के क्या नियम है तुम्हारे? तुम्हारे नियमों के अनुसार तुम्हें धूल धूसरित करेगा अजय दुर्गमासुर। कहो, शीघ्र कहो, क्या नियम है तुम्हारे? इस युद्ध के लिए तो एक ही नियम पर्याप्त है, हमारा युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा, जिसके उपरांत दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटकर विश्राम करेंगी, ताकि आगामी दिवस के युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। स्वीकार है मुझे? किंतु इस नियम की आवश्यकता तो तब होगी जब प्रथम दिवस के युद्ध के उपरांत तुम में से अगले दिवस युद्ध में कोई भी प्रस्तुत हो सकेगा। युद्ध के लिए कौन प्रस्तुत हो सकेगा और कौन नहीं, इसका उत्तर तो कल युद्ध भूमि में ही प्राप्त होगा। अवश्य, समय आने पर वो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा हमें। असुर सम्राट, जिसके वाक्य चातुरी में उलझ कर शत्रु का नियम स्वीकार कर लिया आपने। असुर सम्राट, असुर हैं हम, असुर। हम आज तक किसी नियम में नहीं बंधे, तो आज क्यों बंधे? हाँ असुर सम्राट, सर्वथा अनुचित ही था ये आपका उसके छल में उलझना। सम्राट, मेरे सेनापतियों, जब तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा,
कि मैं उस गजमुख के वचनों से प्रभावित हो गया। किंतु सत्य तो ये है कि मैं उनके छल को पूर्व में ही समझ गया था, क्योंकि युद्ध तो देवी आदि शक्ति के साथ था, किंतु वो देवसेना में उपस्थित नहीं थी। योजना तो नहीं कर रही, इसलिए भोर तक का समय प्राप्त करने के लिए मैंने उसका नियम स्वीकार किया, जिससे मैं ज्ञात कर सकूं कहां है वो, क्या कर रही होगी। माँ ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिक, अब हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्गमासुर आपके वचनों में उलझ गया और उसने हमारी दिन में युद्ध करने की अवस्था को स्वीकार कर लिया, जिससे हमें अपनी रणनीति स्थिर करने का समय भी प्राप्त हो गया। दुर्गमासुर मेरे वचनों में नहीं उलझा देवराजेंद्र, क्योंकि अपने शत्रु का प्रस्ताव स्वीकार करने वालों में से नहीं है वो दुष्ट। अवश्य इसके पीछे उसकी कोई कपट योजना है। तो कहीं उसे माता के अनुष्ठान की सूचना तो प्राप्त नहीं हो गई? कहीं उसे यह तो ज्ञात नहीं हो गया कि माता का अनुष्ठान पूर्ण होने तक अगले 3 दिवस माता अपने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर पाएंगी? शांत देवराजेंद्र, ये युद्ध भूमि है और हमारे गुप्त संवाद अपने मन में ही रहे तो उत्तम है, क्योंकि ज्ञात नहीं किस प्रकार ये गुप्त संवाद शत्रु शिविर तक पहुंच जाए। इस तप के तेज को भेदकर आगे बढ़ पाने में असमर्थ हूं। मैं अभी ये समाचार स्वामी को देता हूं। असुर सम्राट दुर्गमासुर को विनाश लोचन का प्रणाम। प्रणाम नहीं, सोचना चाहिए मुझे। शीघ्र बताओ मुझे, जो भेद ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे भ्राता नाश लोचन को भेजा था, क्या तुम उसे प्राप्त करने में सफल हुए? हाँ असुर सम्राट, समाचार उत्तम है और आपकी परम शत्रु देवी आदि शक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त है, और आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। और 3 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं उससे अस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं दूंगा और उससे पूर्व ही वध कर दूंगा उस निहत्ती देवी का। जिस प्रकार गुप्त विद्या और गुप्त दान से एक साधारण मनुष्य लाभान्वित होता है, उसी भांति गुप्त रखी गई युद्ध की रणनीतियाँ भी युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा को लाभ पहुँचाती है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.